नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए दिन रात एक कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अपराधियों के हौसले एक के बाद एक बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से यूपी सरकार की नीतियों और कानून व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जिस प्रकार बदमाश दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उससे यही समझ आ रहा है कि अपराधियों को यूपी पुलिस का जरा सा भी भय नहीं है। अभी ताजा मामला ठाकुरगंज से है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने सोमवार देर रात कपड़ा व्यवसायी महेंद्र कुमार मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के विरोध में आज परिजनों ने रिंग रोड पर जाम लगाया। गौरतलब है कि मृतक महेंद्र कुमार मौर्य शीला गार्डन रिंग रोड स्थित अपने कपड़े की दुकान बंद करके घर वापस लौट रहा था, तभी बुद्धेश्वरम पुल के नीचे पहले से पीछा कर रहे बाइक सवार दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या के जैसी संज्ञान घटना को अंजाम दे दिया। एसपी चौक इंद्र प्रकाश सिंह के मुताबिक कई बिंदुओं पर मामले की छानबीन की जा रही है। हमलावरों की तलाश में पुलिस टीम दबिश भी दे रही है। भैया, ये डेड बॉडी रख के यहाँ पर प्रदर्शन क्यों हो रहा है? यहाँ पे कल शाम को हादसा हुआ 9:30 बजे। अच्छा। हाँ, बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, कैसे हुआ पता नहीं। उसके गोली मारी गई रात में, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। अच्छा। कोई पूछताछ नहीं, पूछने तक नहीं आया है। तो ये कब तक की डेड बॉडी यहाँ रख के आप लोग प्रदर्शन करेंगे? तब तक घर मालिक चाहेगा तब तक उनकी सुनवाई करिए, हटा लेंगे। परवाह है हमारी गांव से, पुलिस से यहाँ से पूछो ही मत, मतलब ये थोड़े आम जनता तो ऐसे ऐसे मारा जा रहा है, दाढ़ी से मतलब आते हुए इंसान तो ऐसे धैर्य से मारा जा रहा है, जिससे मतलब पुलिस कोई सुनवाई नहीं, पुलिस क्या सुनवाई दे रही है? सुनवाई नहीं, कोई क्या सुनवाई? हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए, उसे दिन दिहाड़े गोली मारी गई है, और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जाम नहीं हटेगा। सुन लीजिए कान खोल के प्रशासन। अच्छा, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है? प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। पांच गोलियां मारी गई हैं, पांच गोलियां। अच्छा, सीने में। अच्छा, भाई जब तक न्याय नहीं मिलेगा डेड बॉडी यही रहेगी, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मौजूद है, भारी तादाद से रोड को बैरिकेड कर दिया गया है और प्रशासन भी सख्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक के लोगों का कहना है, परिजनों का कहना है कि सुनवाई नहीं हुई है उनकी, और यहाँ पर उन्होंने रोड इसीलिए जाम कर दी है ताकि उनकी सुनवाई प्रशासन करे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है चौक के SAP आईपी सिंह। ये सारी सर, मैं ये पूछना चाहूँगी, जो घटना हुई है इस तरह से मार दिया जाता है, 10 राउंड फायरिंग होती है, सब पुलिस प्रशासन पे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कल की ये जो घटना है, महेंद्र मौर्य की हत्या की गई है, ऐसा बताया जाता है, कुछ अज्ञात हत्या गई, उन्होंने गोली मार के हत्या की है। अभी घटना का मोटिव नहीं क्लियर हो पाया है, लेकिन हमने कई टीमें बनाई हैं जो CCTV फुटेज से लेके अन्य पहलुओं पे जांच कर रही हैं, और हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी घटना को वर्कआउट करेंगे और इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। कि यहाँ पर जो उस दिन जिस दिन मर्डर हुआ, उस दिन पुलिस की कोई गश्त नहीं हो रही थी, और आए दिन इस तरह की घटना यहाँ पे हुआ करती है इस एरिया में। हम इस चीज़ को संज्ञान में लेके वहाँ पे एक टिकट भी लगा रहे हैं, और भविष्य में इस बात का ख्याल रखेंगे कि वहाँ पुलिस की, ऐसे सुनसान जगहों पे पुलिस की मौजूदगी बनी रहे। सर, कब तक के कातिल जो मुजरिम है उनको पकड़ा जा सकता है? हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस घटना का वर्कआउट करें और आम जनता को राहत दें।